हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक वेक्टर पे है। इससे पहले प्रीवियस दो टॉपिक में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होती है, इसके बारे में प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको चाहिए होता है हमारा डोनर डीएनए, मींस ऐसा डीएनए जिसको हमें रिकम्बाइंड करना है या जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है, ठीक है, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, वो डीएनए हमारा हो गया डोनर डीएनए। और इस डोनर डीएनए को हम अपने वेक्टर के डीएनए के साथ मिलाते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई वेक्टर है, इस वेक्टर के डीएनए के साथ हम अपना डोनर डीएनए, जो कि हमारा डिजायरेबल डीएनए है जिसकी हमें कॉपी चाहिए होती है, जब हम इन दोनों डीएनए को मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो भी हमारा नया जो है डीएनए बनता है वो कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, ठीक है। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में जाने के बाद और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, मींस आपका जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट सेल में चला जाएगा और होस्ट सेल में जाने के बाद अपने आप को ये मल्टीप्लाई कर ले, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और मल्टीपल कॉपी करने के प्रोसेस को हम लोग जो है डीएनए की क्लोनिंग, जो है डीएनए क्लोनिंग कहते हैं, ठीक। तो होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने कंपोनेंट की जब बात की थी तो हमने देखा था सबसे पहला कंपोनेंट हमारा डोनर डीएनए होता है, ठीक है, जो कि हमारा डिजायर डीएनए भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस डोनर डीएनए को पर्टिकुलर जिस सेल से हमें ये डीएनए चाहिए, सपोज हमको रेड कलर के जो है प्लांट से रेड कलर का प्लांट का डीएनए चाहिए तो हम रेड कलर के प्लांट से उसको कट करके लाएंगे, या हमें इंसुलिन का जो है डीएनए चाहिए, इंसुलिन का डीएनए अगर हमारा डोनर डीएनए है तो हमें इंसुलिन को जो है कट करना होगा, तो कट करने के लिए हमें जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उस एंजाइम को हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम लोग अपने डोनर डीएनए को भी कट करते हैं और इसी एंजाइम से हम अपने वेक्टर को भी कट करते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो पूरा वेक्टर को एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर का वर्क क्या है, और जो है कितने वेक्टर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और कितने टाइप के जो है वेक्टर पाए जाते हैं, इसको वन बाय वन हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर। तो वेक्टर रिफर टू द डीएनए मॉलिक्यूल। वेक्टर आपका कुछ और नहीं, ये खुद में डीएनए मॉलिक्यूल है दैट एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल व्हिच कैरी फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो वेक्टर अपने आप में आपका खुद एक जो है डीएनए है जो आपके फॉरेन डीएनए को, मींस जो डोनर डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करता है, और इंसर्ट करने के बाद ये एक व्हीकल की तरह काम करता है, ठीक है, एक साधन की तरह काम करता है, एक आपके जो हम बात करें व्हीकल की तरह काम करता है ले जाने का डोनर डीएनए को रिकॉम्बाइंड करके होस्ट सेल तक, ठीक है, होस्ट सेल तक ले जाने का काम करता है फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अगर हम बात करें पर्पस क्या है तो फॉर क्लोनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, किस पर्पस के लिए ले जाता है, फॉर क्लोनिंग पर्पस, ठीक। एंड वेक्टर हैज ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट। अगर हम बात करें तो वेक्टर खुद में ऑटोनॉमसली खुद स्वतः ही रिप्लिकेटिंग, जिसके पास रिप्लिकेशन की क्षमता हो, मींस अगर हम बात करें तो ये डीएनए है तो डीएनए से डीएनए खुद वेक्टर जो है कुछ एंजाइम की हेल्प से, अगर हम बात करें तो वेक्टर कुछ एंजाइम की हेल्प से खुद रिप्लिकेट होने की इसके पास पावर होती है। तो वेक्टर हैज ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है, विच कैरी फॉरेन डीएनए और डोनर डीएनए डिजायरेबल डीएनए टू द होस्ट सेल, जो कि हमारे डोनर डीएनए को अपने अंदर मिक्स करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में होस्ट सेल तक ले जाता है, और फिर होस्ट सेल में ले जाने के बाद जो है जब होस्ट सेल के अंदर ये इंसर्ट हो जाता है तो फिर होस्ट सेल में इसकी मल्टीपल कॉपी
बन जाती है। जैसे जैसे आपका होस्ट सेल सेल डिवीजन करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, वैसे वैसे आपका जो डिजायरेबल डीएनए है, जो डोनर डीएनए है, उसका भी नंबर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वेक्टर इज नथिंग बट ऑल्सो ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। अब अगर हम बात करें कि हम अपने डीएनए को डायरेक्ट कट करके और डायरेक्ट अगर हम सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, अगर हम बात करें कि हम डोनर डीएनए को कट करके और डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दें, तो ये जो हमारा डोनर डीएनए होगा वो जो है डायरेक्ट इंसर्ट नहीं हो सकता है। इस तरीके से जब ये सेल में आएगा तो इसकी लाइसिस हो जाएगी, मीन्स बहुत सारे जो है आपके न्यूक्लियस एंजाइम होंगे जो इसको जो है कट कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम होंगे जो आपके डीएनए को कट कर देंगे। तो इस जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है उसको कैरी करके होस्ट सेल तक ले जाने वाले व्हीकल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है वेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एक अच्छा वेक्टर होने के लिए उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स या उसके पास कौन कौन से जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर वन, तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। सबसे पहला अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो जो हमारा वेक्टर है इस वेक्टर के पास हमारा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब, तो जैसा कि हम शुरू से ही सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डीएनए से जो है रिप्लिकेट होकर के डीएनए बनता है, देन डीएनए से ही फिर आरएनए बनता है और फिर आरएनए से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। बात करें तो वेक्टर के पास, एक गुड वेक्टर के पास, एक अच्छे वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होनी चाहिए ताकि ये अपना जो रिप्लिकेशन है खुद शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके। अगर हम बात करें तो सपोज ये आपका कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर है, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। तो इसके पास यहाँ पे ओआरआईसी, ठीक है, ओआरआईसी साइट होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम लाइक डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा हेलिकेज, ये सब एंजाइम अगर इस ओराई जो है इस आपके वेक्टर को मिल जाएं तो इसके पास ये क्षमता होती है कि अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा, मींस अपने ही जैसा दो डीएनए की कॉपी बना लेगा। अभी यहाँ पे एक डीएनए का जो है कॉपी है, सेम टू सेम ये दूसरे डीएनए की कॉपी जो है तैयार कर लेगा, तो इट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। तो आप कोई भी गुड वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होती है, मीन्स वो डीएनए से डीएनए बना सकता है, वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। दूसरे करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो पॉलीलिंकर साइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS। तो पॉलीलिंकर साइट मींस मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो पॉलीलिंकर का मींस आपका इसके पास रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की स्पेसिफिक जो है साइट होनी चाहिए, ठीक है, मींस ऐसा वेक्टर जिसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी, बहुत सारे इंडो न्यूक्लियस की साइट, मोर देन वन इंडो न्यूक्लियस की साइट, ठीक है। इंडो न्यूक्लियस की साइट अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये वीडियो देख लीजिए। इंडो न्यूक्लियस साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब जो है कि इसके पास कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होती है, मींस कि कुछ जो है 4 से लेकर 8 बेस पेयर का कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक बेस पेयर का जोड़ा, ठीक है, 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जहाँ पे पर्टिकुलरली उस सीक्वेंस पे आकर के आपका इंडो न्यूक्लियस कट करता है,
ये आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस इन जो है रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाता है। तो आपका पॉलीलिंकर साइट का मतलब मोर देन वन, जो है एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट। अगर हम बात करें तो इसके पास इको आर वन की भी साइट प्रेजेंट हो, इसके पास किसी दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाम थर्ड की भी साइट प्रेजेंट हो, इसके पास पी एस टी वन की भी साइट प्रेजेंट हो, अगर हम बात करें इसके पास इको आरवी की भी साइट प्रेजेंट हो, तो आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मीन्स कि एक से ज़्यादा इंडोन्यूक्लियस की जो है, एक से ज़्यादा इंडोन्यूक्लियस के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट इसके पास है, एक से ज़्यादा इंडोन्यूक्लियस इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ऐसा वेक्टर आपका गुड वेक्टर की कैटेगरी में आता है जिसके पास पॉलीलिंकर साइट हो या मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो। अगर हम बात करेंगे हमारा जो भी ये कोई जो है आपका वेक्टर होगा, तो इसको हम इको आर वन से भी ट्रीट कर सकते हैं और अपना हम, ठीक है, बाम्स थर्ड से भी ट्रीट कर सकते हैं, पी एस टी वन से ट्रीट कर सकते हैं, इको आर बी से ट्रीट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसके पास जो है पॉलीलिंकर साइट होगी, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी, उतना हमारा वेक्टर अच्छा होगा। और जितने ही कम इसके पास जो है पॉलीलिंकर साइट या मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी, तो हम जो है बाध्य हो जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि हम किसी पर्टिकुलर एक ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हम अपने जो है वेक्टर को कट करें। और जबकि अगर इसके पास मैनी पॉलीलिंकर साइट या मैनी मल्टीपल साइट होंगी, क्लोनिंग साइट होगी, तो हम कई सारे इंडोन्यूक्लियस की सहायता से जो है अपने वेक्टर को कट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ रही होगी। तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें, तो तीसरा इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर ली, ओराईसी, दूसरा पॉलीलिंकर या मल्टीपल क्लोनिंग साइट, पहला ओराईसी, दूसरा आपका पॉलीलिंकर साइट। तीसरे की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नाम से पता चल रहा है इट इज जेनेटिक एंड मार्कर। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मार्कर, ठीक है, तो मार्कर का यूज अगर आप बात करें, आप एक स्टूडेंट हैं, मार्कर का यूज आप करते हैं, आप अपने किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्कर से मार्क कर देते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जब फाइनल एग्जाम हमारा आएगा तो हम एक नज़र में बस देख करके, ठीक है, हमें पूरी बुक को पलटने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पूरे कंटेंट को पलटने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम समय में बस देख करके हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को या अपने इम्पॉर्टेंट लाइन को या इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम तुरंत जान जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर। ठीक है, ये बात तो हो गई आपके मार्कर का, आपके जो है स्टडी के लाइफ जो है ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडी आप मार्कर का कैसे यूज करते हैं। अगर अब हम सेम यहां बात करें प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर इन वेक्टर, तो वेक्टर में भाई मार्कर की क्या जरूरत पड़ गई, तो आइए हम इसको समझते हैं। इसके पास कुछ जेनेटिक मार्कर होते हैं। अगर हम जेनेटिक मार्कर की बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक मीन्स आपका कुछ कोई डीएनए, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए विच एक्ट एज मार्कर। ठीक है, आपका कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए जो मार्कर की तरह काम करे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, जेनेटिक मार्कर कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। सपोज आपका ये कोई वैक्टर है, ठीक है, जिसको हमने कट किया, इसके पास ओराई सी रीजन है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की पॉलीलिंकर साइट है, डीएनए है जिसको हमें इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराते हैं। तो ये जो हमारा वेक्टर को कट करने का प्रोसीजर है और हमारे डोनर डीएनए को कट करने का प्रोसीजर है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और उसके बाद आपका लाइगेस से इन दोनों को ज्वाइंट करना, ये सब हमारा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इस प्रोसीजर को कर रहे होते हैं। सपोज अब यहाँ पे आपका कई सारे जो है डीएनए के कई सारे आपके फ्रेगमेंट मौजूद हैं, ठीक है, डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके कई सारे वेक्टर भी मौजूद होंगे,
ठीक है, मोर देन वन वेक्टर, कई सारे वेक्टर यहाँ पे आपके मौजूद हैं। अब आपका जब ये प्रोसीजर होगा, यहाँ पे हमने लाइगेज एंजाइम को ऐड कर दिया। अब लाइगेज एंजाइम से हमारा जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है या हमारा जो डोनर डीएनए है, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, वो हमारा वेक्टर से अटैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारा जो डोनर डीएनए है वो वेक्टर के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक, हमारा वेक्टर के साथ हमारा डिजायरेबल डीएनए या हमारा डोनर डीएनए अटैच हो गया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा वेक्टर का डीएनए है वो वेक्टर का डीएनए डोनर सेल के साथ अटैच होने के बजाय आपस में ही स्टिकी एंड से ये खुद आपस में ये क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है, खुद सेल्फ अटैचमेंट हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ अटैचमेंट हो गया, जबकि जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए था वो डिजायरेबल डीएनए यहाँ पे आकर के ऐड नहीं हुआ। तो ये हो गई हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये थी हमारी। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी है, यहाँ पे अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, कई सारे डिजायरेबल डीएनए आपस में ही ऐड हो जाएं। ठीक है, अगर हम बात करें तो कई सारे हमारे डिजायरेबल डीएनए वेक्टर के साथ ना ऐड हो करके आपस में ही ऐड हो जाएं। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारा ऐसा जो है वेक्टर जो हमारा डोनर डीएनए के साथ अटैच हुआ जैसा हम चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, हमारा वेक्टर सेल्फ अटैच्ड हो गया, मींस उसके जो दो इंड थे कटे हुए, वो दोनों इंड आपस में स्टिकी इंड थे और खुद ब खुद दोनों आपस में चिपक गए, दोनों ने आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया और जो है वेक्टर के अंदर सेल्फ अटैचमेंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये वेक्टर जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है, इसी वेक्टर को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, एक हमारा ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया होगा, मींस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड ऐसा बैक्टीरिया होगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ होगा। ठीक है, जिसमें हमारा जो है डोनर डीएनए अटैच है। तो दिस जो है बैक्टीरिया या दिस होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, लेकिन या ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई फर्स्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है, हमारा ऐसा वेक्टर होस्ट सेल में चला जाए जिसके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ही नहीं, ये खुद ही सेल्फ अटैच हो गया है। मीन्स वेक्टर में हमारा डिजायरेबल डोनर डीएनए एब्सेंट है। ठीक है, तो दूसरा बैक्टीरिया ये कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए, सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बैक्टीरिया हमारे, ठीक, ये दोनों बैक्टीरिया हमारे मीडियम में ग्रो करेंगे। अगर हम बात करें तो अब हम एक कल्चर प्लेट पे दोनों बैक्टीरिया वन और बैक्टीरिया टू हम दोनों को ग्रो करेंगे। ठीक है, और दोनों बैक्टीरिया हमारे ग्रो होंगे, हमारे दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है वो हमारी कल्चर प्लेट पे, सपोज ये हमारी कोई कल्चर प्लेट है जिसमें एगार है। ठीक है, एगार की कल्चर प्लेट पे इस बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, दोनों बैक्टीरिया की जो है कॉलोनी ग्रो हो रही है, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, मींस हमारा डिजायरेबल डीएनए के साथ, और दूसरा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है जिसमें हमारा डिजायरेबल डीएनए नहीं है। दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा
ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मींस हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया कौन सा है। हमें तो इसी की जरूरत है ना। ये बैक्टीरिया तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ग्रो होता चला जाएगा तो हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो अब ऐसे ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेनेटिक मार्कर। ठीक है, वी यूज जेनेटिक मार्कर इन वेक्टर। हम वेक्टर में जेनेटिक मार्कर का यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिक मार्कर हम ये मार्क कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। तो होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इन जेनेटिक मार्कर की हेल्प से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और कौन सा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। तो सपोज ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक। मैंने आपको बताया इसमें पहला जो है वो है ओराई सी की प्रेजेंट, दूसरा आपका पॉली लिंकर साइट की प्रेजेंस, पॉली लिंकर साइट या जिसको हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं MCS, तीसरा मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ दिस जेनेटिक मार्कर। तो आपके जो जेनेटिक मार्कर होते हैं, आपको बता दें कि बैक्टीरिया अपनी बॉडी से कुछ एंटी बैक्टीरियल फैक्टर निकालता है जिसकी वजह से उसके साथ ग्रो होने वाले बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और केवल एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। तो उस एंटी जो फैक्टर बैक्टीरिया अपनी बॉडी से निकालता है उस एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक मींस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो हमारा जो भी एंटीबायोटिक को बनाने वाला जीन होता है उस जीन को हम लोग जेनेटिक मार्कर की तरह वेक्टर में यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नाम जानते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये सब आपके बैक्टीरिया से निकलते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेसीज को ही ग्रो होने देते हैं, दूसरे स्पेसीज को ये किल कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो हमारा एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इन सबका जो जीन है उस जीन को हम जेनेटिक मार्कर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। मीन्स इस जो हमने यहाँ पे क्या किया, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के जो है डीएनए को कट करके अपने जो है जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए था उस डिजायरेबल डीएनए के साथ हमने ऐड कर दिया, ठीक। ये रेड कलर का मेरा डिजायरेबल डीएनए था जो कि वेक्टर में मैंने ऐड कर रखा है, इसी डिजायरेबल डीएनए के साथ मैंने क्या किया जो है टेट्रासाइक्लिन का मार्कर लगा दिया, ठीक। दूसरा मार्कर मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एम्पिसिलिन, ठीक। दूसरा मार्कर मैंने इसके साथ एम्पिसिलिन लगा दिया, पहला मार्कर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। दूसरा मार्कर मैंने लगाया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक। दो मार्कर लगा दिए मैंने, मींस ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का इसके पर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दें इस वेक्टर को तो कोई जो है फर्क बैक्टीरिया में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के अब हम अपने इस तरीके के डिजाइंड वेक्टर को, ऐसा वेक्टर जिसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो, ऐसा वेक्टर जिसके पास पॉलीलिंकर साइट हो, ऐसा वेक्टर जिसके पास जेनेटिक मार्कर लगे हो, इस तरह के अपने अगर हम वेक्टर को जो है इंसर्ट करें बैक्टीरिया के अंदर, मीन्स अब हमारा कट करने के बाद जो भी हमारा ये डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है, अब वही हमारे पास नेक्स्ट अगेन वही पॉसिबिलिटी। एक फिगर से आइए हम इसको समझें कि हमने यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो हमने ऐसा वेक्टर, ऐसा जो है डिजायरेबल डीएनए लिया, इस डिजायरेबल डीएनए के साथ हमारा एम्पिसिलिन का जो है एम्पिसिलिन का जीन अटैच कर दिया हमने, और अपने ही डिजायरेबल डीएनए के साथ मैंने दूसरा टेट्रासाइक्लिन का जीन भी अटैच कर दिया। तो ये हो गया एम्पिसिलिन का, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन का, एक हो गया आपका एम्पिसिलिन का और एक मैंने अटैच कर दिया टेट्रासाइक्लिन का, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पे एम्पिसिलिन का और ये टेट्रासाइक्लिन का, तो ये हमारा डिजायरेबल डीएनए है जिसके साथ मैंने अपना मार्कर भी अटैच कर दिया है। अब आपका
जो भी पॉसिबिलिटी होगी, पहली पॉसिबिलिटी कि हमारा ऐसा वेक्टर जो है बनेगा जिसके साथ हमारा डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है, जिसके साथ हमारा डिजायरेबल डीएनए है और साथ ही साथ डिजायरेबल डीएनए के साथ ही साथ मार्कर भी लगा हुआ है पहचान के लिए, ठीक है। तो ये पहचान के लिए ग्रीन कलर से आपका जो है टेट्रासाइक्लिन का और ब्लैक कलर से आपका एम्पीसिलिन का मार्कर भी अटैच हो गया, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया तो आपका, इसको हमने होस्ट सेल में डाल दिया, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी तब होगी कि हमारा जो वेक्टर है वो हमारे डिजायरेबल डीएनए के साथ ना अटैच हो करके खुद ही आपस में अटैच हो जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी बैक्टीरिया की, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विथ मार्कर, ठीक है, अगर हम बात करें। दूसरा हमारा जो है ऐसा वेक्टर है जो कि खुद ही आपस में अटैच हो गया है, जो कि कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अगेन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट पे कल्चर करेंगे और उसी कल्चर प्लेट में, सपोज हम एक कल्चर प्लेट में, ये हमारी एगार की प्लेट है, इस एगार की प्लेट में हम जो है बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे साथ ही इसमें जो है कौन कौन से एंटीबायोटिक डाल देंगे, टेट्रासाइक्लिन और हम यहाँ पे डाल देंगे एम्पीसिलिन। अब क्या होगा हमारा, जब हम इसी एगार की प्लेट में टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन हमारे दो जो है एंटीबायोटिक डाल देंगे, तो केवल हमारा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ही जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास ये मार्कर हैं, इसके पास ये क्षमता है कि ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन को यूज करके टेट्रासाइक्लिन से बच सके और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हो सके, मीन्स एम्पीसिलिन से बच सके, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया है यहाँ पे जिसके पास हमारा, केवल वही बैक्टीरिया हमारा जिंदा रहेगा जिसके पास हमारा डिजायरेबल डीएनए है, क्योंकि डिजायरेबल डीएनए के साथ मैंने एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मार्कर लगा रखा था, मींस दोनों एंटीबायोटिक मैंने लगा रखे थे, तो केवल ऐसा बैक्टीरिया ही यहाँ पे जिंदा रहेगा और वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा जिसके पास केवल बैक्टर ही आपस में ज्वाइंट हो गया है, मींस बैक्टर आपस में सेल्फ ज्वाइंट हो गया है, वो वाले बैक्टीरिया मीन्स नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाएंगे। हमारा वही बैक्टीरिया सेलेक्ट होगा जिसके पास हमारा डिजायरेबल डीएनए जो है वेक्टर के रूप में, वेक्टर में हमारा जिसके पास डिजायरेबल डीएनए होगा, हमारा वही बैक्टीरिया मीन्स हमारा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ही सेलेक्ट होगा। तो होप सो आपको जो है ये तीनों करेक्टरिस्टिक फीचर वेक्टर के समझ में आए हो, पहला ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दूसरा पॉलीलिंकर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है, तीसरा आपका प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर इन वेक्टर, ठीक। तो ये तीनों चीजें जिस भी वेक्टर के पास होती हैं वो वेक्टर आपका जो है गुड वेक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है, मीन्स ये तीनों किसी भी अच्छे वेक्टर के पास ये तीनों करेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। चौथे करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो आपके जो वेक्टर का साइज है वो छोटा होना चाहिए। तो होप सो आपको वेक्टर के तीनों करेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्कर के करेक्टरिस्टिक फीचर्स, मीन्स मार्कर कितने टाइप के होते हैं और फिर वन बाय वन टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।